बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कलरफुल, सुंदर और न्यू डिज़ाइन का क्रोशिया मोरपंख थालपोश लाए हैं। आप इसको एज अ टेबल मैट भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है और इसको बनाना भी बहुत ईजी है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी इंशाल्लाह आप इसको ईजिली बना सकते हैं। साइज़ की बात करें तो हमने इसको एम साइज़ में बनाया है। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे, तो आप आसानी के साथ बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं। ओके, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ से लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत के लिए आपका लाइक बहुत ज़रूरी होता है और इस तरह के लेटेस्ट और डिफरेंट डिज़ाइन सीखने के लिए चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को जब आप प्रेस कर देंगे तो हमारे आने वाले कोई भी डिज़ाइन आपसे मिस नहीं हो पाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करती हैं। 3 प्लाई वूल है और 5 नंबर हमारा क्रोशिया हुक है। ओके, सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग के लिए आपने 2 फिंगर्स पे थ्रेड को इस तरीके से रैप करना है, तिरछा आपने लपेट लेना है और जो सेकंड वाला थ्रेड है फर्स्ट वाले थ्रेड के बीच में से इस तरीके से आपने निकाल लेना है। तो हमारा मैजिक रिंग का सर्कल इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें चेन्स लेंगे, 1 2 2 चेन्स लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे थ्रेड को रैप करेंगे क्रोशा के ऊपर और इस सर्कल में डालेंगे। डबल क्रोशा के लिए पहले आपने 2 जो फंदे हैं उसमें से निकालना है, ओवर करना है थ्रेड। अब 2 में से कर देंगे, 2 का 1 बना देंगे। अब वापस इसी सर्कल में डाल के एक और डबल क्रोशा हम बनाएंगे। तो डबल क्रोशा आपने इसी तरीके से बनाना है, पहले 2 फंदों का 1 कर लेना है, इसके बाद फिर से 2 फंदों का 1 हम बना देंगे। देखें, और साथ साथ आपने जो मैजिक रिंग का थ्रेड है उसे भी क्लोज करते जाइए। तो बहुत सिंपल है, पहले आपने मैजिक रिंग बना के इस तरीके के डबल क्रोशा के लूप्स बनाने हैं। और कितना आपने डबल क्रोशा के लूप्स बनाने हैं हम आपको बनाने के बाद दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया के लूप्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हम मैजिक रिंग के थ्रेड को थोड़ा सा खींच के क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट वाले 2 चेन्स को तो आपने काउंट नहीं करना लूप्स, ठीक है। ये तो 2 चेन्स हम हर रो को ज्वाइंट करने के लिए बना रहे हैं, बाकी हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ठीक है। 12 डबल क्रोशिया के लूप्स हमने इस सर्कल में बना ली हैं। अब जो हमने 2 चेन्स ली हैं ज्वाइन करने के लिए, उसकी सेकेंड वाली चेन में आपने स्लिप स्टिच से फर्स्ट रो को जो है ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से हो गया। अब आपने 2 चेन्स फिर से लेनी है, तो आपको हर रो में 2 चेन्स ज्वाइन करने के लिए लेनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा सिंगल डबल क्रोशिया है, ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया और सेम स्पेस में जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया वापस इसी स्टिच में डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम स्टिच में 2 टाइम्स आपने 2 डबल क्रोशिया की लूप्स बना लेनी है इस तरीके से। अब इसे नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में, 2 टाइम्स आपने 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेने हैं। अब इसे पास वाले स्टिच में भी आपको 2 दफ़ा डबल क्रोशिया के लूप्स एक ही स्टिच में बना लेनी है। तो इस रो को आपने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। तो सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 2 चेन्स का जो हमारा लूप्स है ज्वाइन करने के लिए, उसके सेकंड वाली चेन में आपने स्लिप स्टिच से इस रो को ज्वाइन कर लेना है। अब हम इसकी 3rd रो बनाएंगे। तो 2 चेन लीजिए और इसे नेक्स्ट वाले स्टिच में डालिए, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हो गया, सेम स्टिच में हम डालेंगे, ठीक है। तो वापस इसी स्टिच में आपको डालना है, सेम स्टिच में 2 टाइम्स आपको 2 डबल क्रोशिया की लूप्स इस तरीके से बना लेनी है। अब इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसको आपने किस तरीके से बनाना है यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है डबल क्रोशिया का, उसके नीचे से आपको क्रोशिया इस तरीके से डालना है और दूसरी साइड पे निकाल लेना है। मैं आपको थोड़ा स्लोप बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपने इस तरीके से इसको फ्रंट पोस्ट पर डबल क्रोशिया की लूप्स को बनाना है, यानी आगे की साइड पर आपने क्रोशिया डालते हुए
लूप्स के नीचे से ऊपर लेते हुए आगे की साइड पे डबल क्रोशिया बनाना है। इसे नेक्स्ट स्टिच में आपको टू टाइम्स टू डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेने हैं। एक ही स्टिच में दो डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, इसको फिर से आपने आगे की साइड पर बनाना है। फ्रंट पोस्ट पर डबल क्रोशिया का लूप्स बनाएंगे और इससे पास वाले स्टिच में आपको फंदा बढ़ाना है। तो फंदा आपने किस तरीके से बढ़ाना है, एक ही स्टिच में आपको दो दफ़ा डबल क्रोशिया के लूप्स बनानी है और इससे पास वाले स्टिच को फिर से आपने आगे की साइड पर इस तरीके से बुन लेना है। इससे पास वाले स्टिच में फिर से आपको फंदा बढ़ाना है। तो दो दफ़ा आपको एक ही स्टिच में डबल क्रोशिया की लूप्स बनानी है। तो हमारा फंदा इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो को आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है। देखिए, एक ही स्टिच में दो डबल क्रोशिया, इसके बाद एक डबल क्रोशिया आपको फ्रंट पोस्ट पे बनाते हुए फॉलो करते जाना है इस वर्क को। यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट एक स्टिच फिर से बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, एक ही स्टिच में टू टाइम्स टू डबल क्रोशिया। इसे नेक्स्ट वाले स्टिच को आपने फिर से फ्रंट पोस्ट पर बना लेना है। ओके, तो हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट का फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया हम रिपीट यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। अब दो चेन जो हमने ली हैं ज्वाइन करने के लिए, उसकी सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक कर देंगे। ओके, अब हम आपको फ्रंट पोस्ट के जो डबल क्रोशिया हैं वो काउंट करके दिखाएंगे कि कितना हमने इसमें डिज़ाइन डाली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 हमने डबल क्रोशिया के लूप्स जो हैं फ्रंट साइड पे बनाए हैं, फ्रंट पोस्ट पे। अब इसके बाद फोर्थ वाली रो के लिए आपको पहले लॉक करने के लिए दो चेन्स लेनी है ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसमें आपको एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बना लेना है और सेम स्टिच में, ठीक है, जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया का लूप्स बनाए हैं वापस इसी स्टिच में डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टू टाइम्स हमने टू डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लिए हैं। अब इसे नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बढ़ाया है। अब फ्रंट पोस्ट का जो डिज़ाइन है सेम आपको हर रो में इसी तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर डालेंगे नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया। अब इसे पास वाले स्टिच में आपको सिंपल एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमारी फोर्थ रो है। तो देखिए, सेकंड रो में हमारा एक लूप्स था और थर्ड रो में दो लूप्स हो गए और ये फोर्थ रो है तो इसमें हमारे तीन लूप्स हो गए बीच में। और फ्रंट पोस्ट का जो हमारा डबल क्रोशिया है उसको फिर से आपने रिपीट फ्रंट पोस्ट पे ही बनाना है। इससे नेक्स्ट स्टिच में फिर से आपको एक फंदा बढ़ा लेना है। तो हर डिज़ाइन में फोर्थ रो में आपके पास तीन तीन डबल क्रोशिया होने चाहिए और इस रो को हम इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। और लास्ट का डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट का हम फिर से आपको यहाँ पे रिपीट बना के दिखा देते हैं। आप जो दो चेन्स हैं उसकी सेकंड वाली चेन में आपको स्लिप स्टिच से इस रो को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। इतना हो गया। अब हम इसकी फिफ्थ रो बनाएंगे। तो दो चेन आपको लेनी है, इसे नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इसके बाद भी आपको पास वाले चेन में डबल क्रोशिया के लूप्स बनाना है और दो डबल क्रोशिया सादा बना के जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया है, थर्ड स्टिच है, उसमें आपको लूप्स इंक्रीज करना है। यहाँ पे सेम स्टिच में टू डबल क्रोशिया टू टाइम्स आपको बना लेने हैं। और आगे हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया का डिज़ाइन है तो उसको तो सेम आपने रिपीट फिर से बना लेना है इस तरीके से। दो डबल क्रोशिया सादा और जो तीसरा स्टिच है उसमें आपको एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है इस तरीके से। जो हमारा बीच का ये वाला पोर्शन है इसको बनाना बहुत सिंपल है। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको यहाँ पे
डिटेल से समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है। अगर आप क्रोशिया वर्क करते हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं आसानी के साथ। फिर थ्रो आपने सेम इसी तरीके से बनानी है। बीच में अब हमारे चार लूप्स होंगे हर डिज़ाइन के बीच में, तो यहाँ पे हमारी पांच रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसकी छठी रो बनाएंगे, तो दो चैन आपको पहले लेनी है, इसके बाद वाले स्टिच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया और सेम ही स्टिच में, ठीक है। अब हम इसी साइड पे फर्स्ट साइड पे अपना फंदा बढ़ाएंगे, तो दो फंदे आपने एक ही स्टिच में बना लेनी है। इसके बाद आपने हर स्टिच में डबल क्रोशिया के ही लूप्स बनाने हैं। अब फ्रंट पोस्ट के डबल क्रोशिया को आपने फिर से फ्रंट पोस्ट का ही डबल क्रोशिया का डिज़ाइन बनाइए इस तरीके से। ये हमारी छठी रो है, तो छठी रो के हर डिज़ाइन के बीच में हमारे पांच पांच डबल क्रोशिया रहेंगे। हमने छठी रो कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक कर देंगे इस तरीके से। अब फिर से दो चैन लेंगे हम, वन टू। दो चैन लेने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया, इससे पास वाले स्टिच में डालेंगे, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले आपने फोर डबल क्रोशिया बना लेनी है। फोर डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब जो फिफ्थ वाला स्टिच है उसमें आपने एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है, यानी अपने फंदा बढ़ाना है। तो सेम स्टिच में टू डबल क्रोशिया टू टाइम्स आपने बना लेनी है, और फ्रंट पोस्ट का जो डबल क्रोशिया है उसको सेम आपने बनाना है। ये हमारी सातवीं रो है, तो सातवीं रो को आपने इसी तरीके से वर्क को फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है। तो सेवन रो हमने बना ली है, और सात रो बनाने के बाद आगे आपको किस तरीके से इसको बढ़ाना है, तो देखिए हमारे 12 डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट के डिज़ाइन हैं, और बीच में आपको हर रो में एक एक लूप्स बढ़ाना है। तो टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया आपको हर रो में बढ़ाने हैं। जितना भी आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी मेजरमेंट आपको दिखा देती हूँ। 12 इंचेस पे इसकी विड्थ है, ठीक है, राउंड है, तो दोनों साइड पे सेम माप रहेगी। अब हम मोर पंख का जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे। दो फिंगर्स पे आपको इस तरीके से पहले मैजिक रिंग का सर्कल बनाना है। दो फिंगर्स पे थ्रेड को रैप करने के बाद सेकंड वाले थ्रेड को आपने क्रोशिया में लेते हुए एक चैन बना लेनी है इस तरीके से। अगर आप पहले एक चैन बना लेंगे तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपका मैजिक रिंग ख़राब नहीं होगा, परफेक्ट रहेगा। अब आपने क्या करना है, थ्री चैन लेनी है। थ्री चैन फर्स्ट लूप्स के लिए हम लेंगे। इसके बाद इसी सर्कल में आपको वापस क्रोशिया डालना है और फाइव डबल क्रोशिया की लूप्स बना लेनी है इस तरीके से। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने आगे बनाना है। तो चैन के साथ हम काउंट करेंगे तो हमारे पास सिक्स डबल क्रोशिया हैं, ठीक है। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने मैजिक रिंग के थ्रेड को थोड़ा सा खींच के क्लोज कर लेना है ताकि आसानी हो आपको बनाने में। अब हम इसमें तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, तीन बार ओवर करेंगे, दो बार हो गया और लास्ट में तीन बार। दो बार आपने थ्रेड को रैप करना है क्रोशिया के ऊपर और तीन बार इस तरीके से दो दो फंदे ओवर कर लेने हैं। दो हो गए ट्रिपल क्रोशिया। अब हम इसका तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार ओवर किया, दो बार और लास्ट में ये तीसरी बार इस तरीके से। अब वापस हम इसी सर्कल में डबल क्रोशिया के लूप्स बनाएंगे, तो रिपीट आपको सिक्स डबल क्रोशिया फिर से बना लेनी है। वन हो गया, टू डबल क्रोशिया, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स, ओके। तो यहाँ पे रिपीट आप देख लीजिए मैजिक रिंग के जो लूप्स हैं, सिक्स डबल क्रोशिया, थ्री ट्रिपल क्रोशिया और फिर से सिक्स डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारे पास 15 लूप्स हो जाएंगे। अब थ्रेड को यहाँ पे आपने कट कर देना है और कलर चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करने आपने लास्ट का डबल क्रोशिया इस तरीके से खोल लेना है। दो लूप्स हैं तो दो लूप्स के बीच में आपको डार्क ब्लू कलर के थ्रेड को इस तरीके से क्रोशिया में लेते हुए इन दोनों फंदों में से निकाल लीजिए।
तो जब भी आपने कलर चेंज करना है इसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से जब आप कलर चेंज करेंगे तो किसी भी पैटर्न में आप कलर चेंज करते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेडी होगा। और देखिए जो हमारे एस्टर थ्रेड हैं उसे आपने इस तरीके से साथ लगाते हुए एडजस्ट कर लीजिए बीच में, और डार्क ब्लू कलर की हमने 6 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 4 हो गए और ये 5 डबल क्रोशिया और लास्ट में 6 डबल क्रोशिया। तो डार्क ब्लू कलर से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब हम जो हमारा फर्स्ट 3 चेन का लूप्स है उसके थर्ड वाली चेन में डालेंगे 1 2, देखिए 1 चेन होगी 2 और ये हमारी थर्ड वाली चेन है, तो थर्ड वाली चेन में ही आपको इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक हो गया। सेम चेन में एक और हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, तो 1 चेन में 2 टाइम्स हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे आपने किस तरीके से बीच में एडजस्ट करना है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मैजिक रिंग के थ्रेड को आपने अच्छे से इस तरीके से खींच के क्लोज कर लेना है, थोड़ा सा हम ढीला रखेंगे, इसके बीच में हमने मोती लगाना है। अगर आप इसको प्रॉपर टाइट करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बट हमने थोड़ा सा इसको ओपन ही रखा है बीच का होल, हम इसमें मोती लगाएंगे। तो देखिए नॉट लगा लीजिए, आपने अच्छे से नॉट लगा लीजिए और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे आपने इस तरीके से कट कर देना है। अब हम इसकी सेकंड रो बना रहे हैं, तो सेकंड रो के लिए हमने 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में आपको रिपीट पीस से 2 टाइम 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में बना लेने हैं। ये हमारी सेकंड रो है, तो सेकंड रो में आपने इसी तरीके से अपने फंदे बढ़ाने हैं, एक ही स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशिया के लूप्स बनाने हैं इस तरीके से, तो सेम तरीके से आपने बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के स्टिच में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 फंदे हैं दोनों को एक साथ ही आपने इस तरीके से बुन लेना है, वापस इसी स्टिच में डाल के एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और जो हमारा 6 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे डार्क ब्लू कलर से उसके फर्स्ट वाले स्टिच में डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से। एक चैन ले के ही आपको थ्रेड कट करना है, जो एक चैन हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसकी इस तरीके से जब खींचेंगे तो नॉट बन जाएगी, तो एक नॉट बना के आपने इस वाले थ्रेड को जो एक्स्ट्रा है एडजस्ट कर लीजिए। आप नीडल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से क्रोशिया से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको आपने सीजर से इस तरीके से कट कर देना है, तो दो रो हमने यहाँ पे बना ली है। अब हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे, तो थर्ड रो के लिए हमने लाइट ब्लू कलर का यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में आपको डालना है और इस तरीके से एक लूप्स बनाएंगे, इससे पास वाले स्टिच में डालेंगे। बिना नॉट लगाते हुए भी आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं, तो और भी फिनिशिंग के साथ आपका कलर चेंज होगा। अब आपने 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, पहले बहुत सिंपल है, मोरपंख बनाना भी बहुत इजी है। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा 7वां सिंगल क्रोशिया का स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाने हैं, 2 टाइम्स 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। अब आगे आपने नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 3 फंदे हैं क्रोशिया में, तीनों को एक साथ ही आपने ओवर कर लेना है इस तरीके से, हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे 3, देखिए हमारे पास फंदे हैं क्रोशिया में, तीनों को एक साथ ही आपने इस तरीके से बना लेना है। अब इससे पास वाले स्टिच में डालेंगे, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 बार ओवर करेंगे धागे को इस तरीके से, इससे पास वाले स्टिच में भी आपको डबल क्रोशिया का ही लूप्स बनाना है। अब यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 2 बार रैप करेंगे थ्रेड को क्रोशिया के ऊपर और इस वाले स्टिच में डालेंगे, एक बार ओवर किया 2 बार और लास्ट में 3 बार। अब हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से ट्रिपल क्रोशिया का लूप बनाएंगे, 2 बार थ्रेड को क्रोशिया के ऊपर अपने लपेटना है और 3 बार इस तरीके से ओवर कर लीजिए।
एक और हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार थ्रेड को रैप करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे और तीन बार थ्रेड को आपने इस तरीके से ओवर कर लेना है। तो इतना हमने बना लिया है। अब सेंटर वाले स्टिच में आपको किस तरीके से बनाना है आपको ध्यान से देखना है। 3 times आपको क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को रैप करना है और सेंटर वाले स्टिच में डाल के आपने यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाइए। इस तरीके से 4 times ओवर कीजिए थ्रेड को और देखिए यहाँ भी क्रोशिया के ऊपर आपने 3 times ठीक है क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को रैप करना है और सेम स्टिच में आपको डालना है और यहाँ भी आपने डबल ट्रिपल क्रोशिया का लूप्स बनाना है। तो सेम ही स्टिच में हमने 2 double triple क्रोशिया बना लिए हैं। 2 times आपको सेम स्टिच में 2 double triple क्रोशिया रेडी करने हैं। अब नेक्स्ट स्टिच में आपको फिर से 3 triple क्रोशिया बनाने हैं। जैसे हमने फर्स्ट साइड बनाई है तो सेम सेकंड साइड को भी आपने बनाना है। सेंटर वाले लूप्स के बाद आपको सेम फर्स्ट साइड की तरीके से ही सेकंड साइड को भी बनाना है। 3 triple क्रोशिया, 2 double क्रोशिया, 2 half double क्रोशिया और 2 single क्रोशिया सेम स्टिच में 2 times सिंगल क्रोशिया बनाइए और इसके बाद फिर से 6 single क्रोशिया बना लीजिए। तो फर्स्ट साइड जैसे हमने बनाई है सेकंड साइड को भी सेम आपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाना है। हमने सेकंड साइड भी इसकी बना ली है। अब जो हमारे पास 6 dark blue कलर के डबल क्रोशे हैं उसके ऊपर आपको 6 single क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरीके से हर स्टिच में क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे हम यहाँ भी। फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसमें आपको क्रोशिया इस तरीके से डालना है और यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। येलो कलर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। थ्रेड को आपने कट कर देना है यहाँ पे। अब दोनों जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उसे भी आपने साथ लगाते हुए बीच में एडजस्ट करते जाइए और हर स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। यहाँ पे बहुत सिंपल रो है, ब्लू येलो कलर से आपने हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। बनाते हुए आपने सेंटर तक सिंगल क्रोशिया ही कंप्लीट करना है। हर स्टिच में आपने सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। सेंटर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सेंटर वाले स्टिच में आपको 1 single क्रोशिया, वापस इसी स्टिच में 2 single क्रोशिया, बीच में हम 1 chain लेंगे इस तरीके से और वापस इसी स्टिच में आपको 2 single क्रोशिया फिर से बना लेने हैं। तो हमारे पास जो सेंटर वाला स्टिच है उसमें 4 single क्रोशिया हो जाएंगे, बीच में 1 chain। इसके बाद आपने फिर से हर स्टिच में जैसे हमने फर्स्ट साइड बनाई है सिंगल क्रोशिया का ही लूप्स बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखें फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में हम कलर चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर के थ्रेड को ज्वाइन करेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड आपने यहाँ पे कट कर देना है और दोनों एक्स्ट्रा थ्रेड आपने इसी तरीके से साथ में एडजस्ट करते जाइए और यहाँ भी आपने सिंगल क्रोशिया ही इस रो में बनाना है सेंटर तक। हम आपको सेंटर तक बना के दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सिंगल क्रोशिया तो सिंगल क्रोशिया ही आपने हर स्टिच में बनाना है और जो सेंटर वाला स्टिच है उसमें आपने 2 single क्रोशिया बनाने हैं सेंटर वाली चेन में, ठीक है। जो हमने 2 single क्रोशिया बनाए थे इसके बाद 1 chain ली थी सेंटर में, तो उसी सेंटर वाली चेन में आपको 2 times 2 single क्रोशिया बना लेने हैं इस तरीके से। अब आगे आपने हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया के ही लूप्स बनाने हैं। जैसे हमने फर्स्ट साइड बनाई है सो इजी सो सिंपल और आपने इसी तरीके से ही बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। हम आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे दिखा रहे हैं लास्ट का एक स्टिच आपको इस तरीके से बनाना है। 1 chain लेके थ्रेड को यहाँ पे कट कर दीजिए और जो हम एक्स्ट्रा चैन लेते हैं जब हम थ्रेड को खींचेंगे तो हमारी नोट बन जाएगी। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को आप बैक साइड पर एडजस्ट कर लीजिए
तो हमारा मोर पंख का जो डिज़ाइन है फर्स्ट डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। और इसी तरीके के डिज़ाइन आपने 12 बना लेने हैं। 12 हम इस तरीके के पैटर्न जो है रेडी कर लेंगे। अब इसको ज्वाइन किस तरीके से करना है आपने ध्यान से देखना है। जो हमारा बीच का डिज़ाइन है, ठीक है, 2 डबल क्रोशा हमने बनाए थे और बीच का जो डबल क्रोशा का डिज़ाइन है हमारा सादा है, तो उसी के बीच में आपको इस तरीके से जो पैटर्न है मोर पंख रखना है। और जो हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा है ये वाला, इसी में हम ज्वाइन करेंगे। तो पहले आपको पैटर्न में डालना है क्रोशा और फिर डबल क्रोशा जो हमारा फ्रंट पोस्ट का है उसमें ही क्रोशा डाल लीजिए। अब देखिए ब्लू कलर के थ्रेड को आपने स्लिप नॉट लगानी है। पहले स्लिप नॉट लगाने के बाद अब इन दोनों स्टिच के बीच में से आपने थ्रेड को निकाल लेना है। मैं थोड़ा स्लो बना के दिखा रही हूँ, आपने ध्यान से देखना है। देखें पहले अपने फ्रंट पोस्ट के डबल क्रोशा में निकालना है, अब इस पैटर्न के बीच में से भी आपको थ्रेड को निकाल लेना है। अब नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को भी आपने हर बार इस तरीके से साथ ही लेते हुए बुनाई करनी है। सिंगल क्रोशा बनाएंगे, तो सिंगल क्रोशा से हमने पैटर्न को एक साइड को ज्वाइन कर लिया है इस तरीके से। तो ज्वाइन करना भी बहुत सिंपल ईजी है। अब नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशा हमने सिंपल बनाना है और जो हम दूसरा सिंगल क्रोशा बनाएंगे उसके ऊपर 2 चैंस लेंगे और इसी स्टिच के बीच में डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे किनार बना रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद हम इसके ऊपर किनार बनाएंगे, तो किनार हमारी इस तरीके से बनेगी। बीच में ही आपको सिंगल क्रोशा बनाना है। अब जो दूसरा सिंगल क्रोशा ये वाला हम बना रहे हैं उसके ऊपर आपको 2 चैंस लेनी है, 1 और 2, और वापस इसी स्टिच के बीच में इस तरीके से डालेंगे क्रोशा और स्लिप स्टिच से 2 चैंस को ज्वाइन कर लेंगे। तो खूबसूरत सी हमारी किनार इसी तरीके से बनेगी। अगर आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने में दिक्कत लगे तो आप सिंगल क्रोशा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 चैंस को हमने ज्वाइन कर लिया है। आप नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और अब सेंटर वाला स्टिच है, तो सेंटर वाले स्टिच में पहले आपको सिंगल क्रोशा बनाना है। अब इसके ऊपर आपने 4 चैन लेनी है, 1 2 3 4, ठीक है। सेंटर का जो हमारा स्टिच है उसमें हमने 4 चैन लेनी है और इसी स्टिच के बीच में आपको क्रोशा निकालते हुए स्लिप स्टिच से चैन को जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो बीच में कुछ इस तरीके से हमारी उभार वाली जो डिज़ाइन है वो बनेगी। अब आगे सेम आपको फर्स्ट साइड की तरीके से ही किनार बनानी है। एक सिंगल क्रोशा हम सिंपल लेंगे और जो हमारा दूसरा सिंगल क्रोशा होगा उसके ऊपर आपको इस तरीके से 2 चैन बना के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हुए इस पेटल को जो है हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ तक हमने बना लिया है। नेक्स्ट स्टिच में हम डालेंगे सिंगल क्रोशा, इनकम्प्लीट बनाएंगे और जो हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा है उसके बीच में भी डालते हुए इस सिंगल क्रोशा को इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट पेटल हमने इसकी ज्वाइन कर ली है, अब हम इसकी सेकंड पेटल को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमने जो ब्लू कलर था उसी को काउंट करते हुए 4 स्टिच छोड़ते हुए 5वें में हमने इस तरीके से क्रोशा डाला है। और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशा में तो हमने ज्वाइन कर लिया, इससे पास वाले स्टिच में हमने फिर से सिंगल क्रोशा से इस पेटल को ज्वाइन करना है। एक सिंगल क्रोशा हमने बना लिया है ज्वाइन करते हुए। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके बीच में हम फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 2 चैन लेंगे इसके ऊपर और वापस इसी स्टिच में डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे सिंगल क्रोशिया सादा बनाया और इसके बाद जो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसके ऊपर हम किनार बनाएंगे 2 चैन की, 1 2, और सेम स्टिच में फिर से क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने दोनों पैटर्न जो हैं ज्वाइन कर ली हैं
और ऊपर किनार भी हमने बना ली है। तो 6 हमने इस साइड पे किनार की डिज़ाइन डाली है और 6 ही हमने दूसरी साइड पे डाली है और एक जो किनार की डिज़ाइन है वो हमने सेंटर में डाली है। तो टोटल हमारे पास 11 जो किनार की डिज़ाइन है वो बन जाएंगी। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे, जो फ्रंट पोस्ट का हमारा सिंगल डबल क्रोशिया है उसी के बीच में डाल के सिंगल क्रोशिया से सेकंड पेटल को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। अब हम इसकी थर्ड पेटल को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 4 स्टिच छोड़ के पांचवें में क्रोशिया डालेंगे और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, इसमें आपने क्रोशिया डालना है सिंगल क्रोशिया से। इस पेटल को भी इजीली आपने इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है, अब इससे नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके ऊपर भी आपको दो चैन लेनी है, 1 2, और 2 चैन लेने के बाद वापस इसी स्टिच में डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। सेम तरीके को फॉलो करते हुए आपने इसमें 12 जो पेटल है वो ज्वाइन करके इसके ऊपर आपने पैपिंग इस तरीके से बना लेनी है। अब इसके बीच में हमने नीडल के साथ मोती लगा लिए हैं, तो मोती आपको 10 mm की लेनी है और नीडल के साथ इसके सेंटर में किस तरीके से लगानी है मैं आपको यहाँ पे 2 मोती लगा के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से लगानी है, मोती लगाना भी बहुत ईजी है। और दूसरी साइड पर आपको नीडल निकालते हुए इसकी नेक्स्ट जो पेटल है उसके सेंटर में इस तरीके से नीडल को निकालना है। बीच बीच में आपने नीडल को निकालते हुए नेक्स्ट जो हमारी पेटल है उसके सेंटर में निकालिए नीडल को और फिर से यहाँ पे भी आपने मोती लगा लेना है। अब मोती हमने लगा ली है, आप देखें जो हमारी पेटल्स हैं उसको आपने सेंटर में सेम कलर का धागा डाल के 1 से 2 टांके जो है आपने लगा लेने हैं। आप चाहें तो इसको राउंड में भी सिलाई लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हमने 1 से 2 टांके लगाए हैं, वो भी काफ़ी होते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट साइड है और ये हमारी अदर साइड है, दोनों ही साइड बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब हम बीच का जो डिज़ाइन है वो आपको बनाना बताते हैं। तो पहले आपने मैजिक रिंग बनानी है इस तरीके से, अब आपने 3 चैन लेके फर्स्ट लूप से बनाना है और इसके आप आगे आपने 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैजिक रिंग के थ्रेड को आपने क्लोज कर लेना है अच्छे से और जो फर्स्ट वाली 3 चैन है उसकी थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से इस रो को कंप्लीट आपने कर लेना है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चैन लेके प्रॉपर इसको आपने लॉक कर लेना है। अब हम इसमें सेकंड रो बनाएंगे, तो कलर चेंज करेंगे हम डार्क ब्लू कलर के, आपको थ्रेड इस तरीके से ज्वाइन करना है बीच में और जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड हैं उसको भी आपने साथ में एडजस्ट करते हुए इसमें सिंगल क्रोशिया बनाइए। हर स्टिच में 2 टाइम्स 2 सिंगल क्रोशिया,
बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करके इसके बाद हम जो हमारी थर्ड रो है वो लाइट ब्लू कलर से हम बनाएंगे। हर स्टिच में आपको सिंगल क्रोशा ही बनाना है, सिंपल। तीन रो हमने यहाँ पे बनाई है, ये हमारी चौथी रो है। तो चौथी रो में हम फंदा बढ़ाएंगे, तो चार आपने सिंगल क्रोशा बनाने के बाद जो पांचवा स्टिच है उसमें एक फंदा बढ़ा लेना है। इसके बाद फिर से आपको चार सिंगल क्रोशा बनाना है और पांचवें स्टिच में टू टाइम्स टू सिंगल क्रोशा सेम स्टिच में बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करके इसके ऊपर हम ग्रीन कलर से किनार बनाएंगे। तो किनार भी सेम हम बनाएंगे, जैसे हमने डार्क ब्लू कलर से किनार बनाई है सेम इसके ऊपर भी किनार ही बना लेंगे हम। आपको दिखाते हैं बनाने के बाद। तो यहाँ पे हमने बीच का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया है, किनार सेम हमने बनाई है, बहुत ही क्यूट। और हमारा सुंदर सा तालपोश रेडी टू यूज़ है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को यहाँ से लाइक कीजिए और प्लीज़ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने हैं। इस तरह की डिफरेंट और न्यू डिज़ाइन सीखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई न्यू डिज़ाइन का वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और उसका वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। टेक केयर, अल्लाह।